देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे घर ओठंगन बन रहा है। जीवतिया पर्व कल है, इसलिए आज ओठंगन बनता है। नहाए खाए के दिन इसको हम लोग पारण के दिन खाएंगे। जिसका जिसका रहेगा वो खाएगा, हम नहीं खाएंगे। ये देखिए, ये घी में ही पकता है। ये जो है घी है, रिफाइंड तेल में नहीं पकता है, इसको घी में ही पकाया जाता है। और ये बना के यहाँ पे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं गैस या चूल्हा के पास। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसको हम लोग हटा। जीतिया का जो नहाए खाए हैं और सर्गी देने जा रहे हैं चिलो सियारो को, और अपने सासू माँ को, मेरी सासू माँ नहीं है, उनको भी सर्गी देंगे। देखिए क्या क्या है इसमें। ये मड़ुआ का रोटी है, ये सितपुतिया हम लोग बोलते हैं, सितपुतिया और नोनी के साग एक ही में बना दिए हैं। ये दही है, केला सेव, और ये नेनुआ के पत्ता पे ही देंगे हम। और अगले दिन, इसके दूसरे दिन मीन्स जीतिया का व्रत स्टार्ट होता है, जो निर्जला व्रत होता है, पूरे मैंने दिन रात होता है। अगले सुबह पारण होगा, ये भी तिथि के अनुसार ही होगा कि कितना टाइम में पारण होता है, तब हम लोग अगले दिन पारण करते हैं। और ये इसमें हेलो दोस्तों, ये जीतिया के शाम का टाइम है और हम पूजा पाठ कर लिए। अब मंदिर पे गए थे, वहाँ ही कथा सुने, और वहाँ बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़। और कथा सुन के तुरंत टाइम पूजा पाठ करके आ गए। और देखिए जीतिया हम पहन लिए हैं अपना, देखिए जीतिया पहन लिए, और ये धागा वाला भी पहन लिए, धागा वाला भी पहना जाता तो हम पहन लिए। और पूजा पाठ हो गया, कल सुबह में पारण है। आज तो ऐसे रात भर फास्टिंग रखना है। और चलिए सभी माँ बहनों को ढेर जीतिया का ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए इसमें कढ़ी बना है, चावल बन गया पतीले, आज तसली में मेरे घर चावल बना है। ये दही बारा है, इसको ढक है, फ्लोरा जिसको बोलते हैं हम लोग वही है, इसको दूध में डाला जाएगा। मेरा बच्चा लोग दही नहीं खाता, इसलिए दूध में हम डालेंगे। अभी